वेबली कैंपेन इस्तेमाल करके BMW ने अपनी एक सीरीज के लिए $110 मिलियन का रेवेन्यू बढ़ाया। 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने 5 वीडियो टीजर कैंपेन देखा और 20,000 लोगों ने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया। BMW ने इन्फ्लुएंशियल ब्लॉगर्स को भी टारगेट किया और सोशल मीडिया से मिले फीडबैक को स्टाइलिंग और सेल्स फोरकास्ट में इस्तेमाल किया। यहां तक कि बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स भी इस काम में शामिल हो रही हैं। कॉर्निंग को पायरेक्स कुकवेयर बेचने वाली कंपनी के तौर पर अपनी छवि बदलने में बहुत मेहनत करनी पड़ी है, एक ऐसा बिजनेस जो उसने 10 साल पहले ही बेच दिया था। अब वो हाईली इंजीनियर्ड स्पेशलिटी ग्लास और सेरामिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं। वॉल स्ट्रीट पर अपनी छवि को एक ऐसी कंपनी के तौर पर बदलने के लिए जिसके पास बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, कॉर्निंग ने एक यूट्यूब वीडियो बनाया जिसका नाम है अ डे मेड ऑफ ग्लास मेड पॉसिबल बाय कॉर्निंग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। 3 हफ्तों के अंदर इसने मिलियन से ज्यादा व्यूज पा लिए। इस वीडियो से जो सोशल कन्वर्सेशन हुआ उसमें ज्यादातर ग्लास प्रोडक्ट की मजबूती और भविष्य के लिए उम्मीद जैसे विषय शामिल थे, बिल्कुल वही जो कॉर्निंग चाहता था। मार्केटर होने के लिए आपको समझना होगा कि मार्केटिंग क्या है, ये कैसे काम करती है, कौन इसे करता है और क्या इसकी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का मतलब है इंसानी और सामाजिक जरूरतों को पहचानना और उन्हें पूरा करना। मार्केटिंग की सबसे अच्छी और छोटी परिभाषाओं में से एक है जरूरतों को मुनाफे के साथ पूरा करना। जब गूगल ने ये देखा कि लोगों को इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन को ढंग से ढूंढने की जरूरत है तो इसने एक बहुत बढ़िया सर्च इंजन बनाया। जब आइकिया ने देखा कि लोग कम दाम में अच्छे फर्नीचर चाहते हैं तो इसने नॉकडाउन फर्नीचर की शुरुआत की। इन दोनों कंपनियों ने बढ़िया मार्केटिंग समझ दिखाई और एक व्यक्तिगत या सामाजिक जरूरत को मुनाफे वाले बिजनेस में बदल दिया। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये ऑफिशियल डेफिनेशन देता है, मार्केटिंग वो गतिविधि संस्थाओं का समूह और प्रोसेसेस हैं जिनसे उन चीजों को बनाया बताया पहुंचाया और एक्सचेंज किया जाता है जो कस्टमर्स क्लाइंट्स पार्टनर्स और पूरे समाज के लिए मूल्यवान हों। इस एक्सचेंज प्रोसेस को संभालने के लिए काफी मेहनत और हुनर की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट तब सामने आती है जब एक पोटेंशियल एक्सचेंज में कम से कम एक पक्ष दूसरे पक्ष से जो वो चाहता है उसे पाने के तरीकों के बारे में सोचता है। इस तरह हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को टारगेट मार्केट्स चुनने और बेहतर कस्टमर वैल्यू बनाने पहुंचाने और बताने के माध्यम से कस्टमर्स को पाने बनाए रखने और बढ़ाने की कला और विज्ञान के तौर पर देखते हैं। हम मार्केटिंग की एक सामाजिक और एक मैनेजरियल परिभाषा में अंतर कर सकते हैं। एक सामाजिक परिभाषा समाज में मार्केटिंग की भूमिका को दिखाती है। उदाहरण के लिए एक मार्केटर ने कहा है कि मार्केटिंग की भूमिका है जीवन स्तर को ऊंचा करना। यहाँ एक सामाजिक परिभाषा है जो हमारे काम की है। मार्केटिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति और समूह अपनी जरूरतों और चाहतों को पूरा करते हैं। वे दूसरों के साथ वैल्यू वाली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बनाकर ऑफर करके और उनका आदान प्रदान करके ये काम करते हैं। कंज्यूमर्स के बीच और बिजनेसेस के साथ वैल्यू को मिलजुल कर बनाना और वैल्यू क्रिएशन और शेयरिंग का महत्व मॉडर्न मार्केटिंग की सोच में अहम विषय बन गए हैं। मैनेजर्स कभी कभी मार्केटिंग के बारे में प्रोडक्ट्स को बेचने की कला के तौर पर सोचते हैं लेकिन बहुत से लोग ये सुनकर हैरान होते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। सेलिंग तो बस मार्केटिंग की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। पीटर ड्रकर एक मशहूर मैनेजमेंट थियोरिस्ट ने इसे इस तरह कहा है, हम मान सकते हैं कि सेलिंग की जरूरत तो हमेशा रहेगी ही लेकिन मार्केटिंग का लक्ष्य है सेलिंग को जरूरत से ज्यादा बनाना। मार्केटिंग का लक्ष्य है कस्टमर को इतनी अच्छी तरह जानना और समझना कि प्रोडक्ट या सर्विस बिल्कुल उसके हिसाब से हो और खुद बिक जाए। असल में मार्केटिंग के नतीजे में एक ऐसा कस्टमर होना चाहिए जो खरीदने के लिए तैयार हो, फिर बस प्रोडक्ट या सर्विस को उपलब्ध कराने की जरूरत रह जाती है। जब निंटेंडो ने अपना वी गेम सिस्टम बनाया, जब एप्पल ने आईपैड टैबलेट कंप्यूटर निकाला और जब ने अपनी प्राइस हाइब्रिड गाड़ी बनाई तो इन कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आ गए क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर्स कॉम्पिटिशन और कीमत और मांग पर असर डालने वाली दूसरी चीजों के बारे में सावधानी से मार्केटिंग करके सही प्रोडक्ट बनाए थे। क्या चीजें मार्केट की जाती हैं? मार्केटर्स मुख्य तौर पर 10 तरह की चीजों की मार्केटिंग करते हैं, गुड्स सर्विसेज इवेंट्स एक्सपीरियंसेस पर्सन्स प्लेसेस प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशंस इन्फॉर्मेशन और आइडियाज। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। गुड सामान ही ज्यादातर देशों के उत्पादन और मार्केटिंग का मुख्य हिस्सा होता है। हर साल
यूएस की कंपनियां अरबों ताजा, डिब्बाबंद, पैक किया हुआ और फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स मार्केट करती हैं। इसके साथ ही लाखों कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, मशीन्स और दूसरी ऐसी चीजें जो एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, भी बेची जाती हैं। सर्विसेज जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, उनकी गतिविधियों का बड़ा हिस्सा सर्विसेज के उत्पादन पर केंद्रित हो जाता है। आज यूएस की अर्थव्यवस्था में लगभग 2/3 हिस्सा सर्विसेज का है और 1/3 गुड्स का। सर्विसेज में एयरलाइंस, होटल्स, कार रेंटल फर्म्स, बार्बर्स और ब्यूटिशियंस, मेंटेनेंस और रिपेयर करने वाले लोग और अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का काम शामिल है। बहुत से मार्केट ऑफरिंग्स में गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, जैसे कि फास्ट फूड का खाना। इवेंट्स मार्केटर्स समय पर आधारित इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, जैसे बड़े ट्रेड शोज, कलात्मक परफॉर्मेंसेस और कंपनियों की एनिवर्सरीज। ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट्स को कंपनीज और फैंस के बीच जोर शोर से प्रमोट किया जाता है। लोकल इवेंट्स में क्राफ्ट फेयर्स, बुक स्टोर रीडिंग्स और फार्मर्स मार्केट्स शामिल होते हैं। एक्सपीरियंसेस कई सर्विसेज और गुड्स को मिलाकर एक कंपनी एक्सपीरियंसेस बना, तैयार कर और मार्केट कर सकती है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड का मैजिक किंगडम कस्टमर्स को एक परीलोक, समुद्री डाकू के जहाज या एक भूतिया घर में जाने देता है। अनुभवों को आपकी पसंद के अनुसार भी बनाया जा सकता है, जैसे कि बेसबॉल ग्रेड्स के साथ एक बेसबॉल कैंप में बिताया गया हफ्ता, 4 दिन का रॉक एंड रोल फैंटेसी कैंप और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। पर्संस आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस, सीईओएस, फिजिशियंस, बड़े लॉयर्स और फाइनेंसियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स अक्सर मार्केटर्स से मदद लेते हैं। बहुत से एथलीट्स और एंटरटेनर्स ने खुद की मार्केटिंग में बहुत बढ़िया काम किया, जैसे एनएफएल क्वार्टरबैक पेटन मैनिंग, टॉक शो की दिग्गज ओप्रा विनफ्रे और रॉक एंड रोल के दिग्गज द रोलिंग स्टोन्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट टॉम पेटर्स, जो खुद सेल्फ ब्रांडिंग के उस्ताद हैं, सभी को सलाह देते हैं कि वे एक ब्रांड बने। प्लेसेस शहर, राज्य, प्रदेश और पूरे देश टूरिस्ट्स, रहने वालों, फैक्ट्रीज और कंपनियों के हेडक्वार्टर्स लाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। प्लेस मार्केटर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट्स, रियल एस्टेट एजेंसा, कमर्शियल बैंक्स, लोकल बिजनेस एसोसिएशंस और एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज शामिल होते हैं। लास वेगास कन्वेंशन विजिटर्स अथॉरिटी को अपने व्हाट हैपेंस हियर स्टेज हियर एड कैंपेन के साथ काफी कामयाबी मिली है, जिसमें लास वेगास को एक अडल्ट प्लेग्राउंड कहा गया है। प्रॉपर्टीज या तो रियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट या फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स की अमूर्त अधिकार होती हैं। ये खरीदी और बेची जाती हैं और इस एक्सचेंज के लिए मार्केटिंग की जरूरत होती है। रियल एस्टेट एजेंट्स प्रॉपर्टी ओनर्स या सेलर्स के लिए काम करते हैं, या वे रेजिडेंशियल या कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते और बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज और बैंक्स सिक्योरिटीज को इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स दोनों को मार्केट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस म्यूजियम्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और नॉन प्रॉफिट सभी अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ाने और लोगों और फंड्स के लिए मुकाबला करने के लिए मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ने चीफ मार्केटिंग ऑफिसर CMO का पद बनाया है, ताकि एडमिशन ब्रोशर्स और ट्विटर फीड से लेकर ब्रांड स्ट्रेटजी तक हर चीज के जरिए वे अपनी स्कूल की आइडेंटिटी और इमेज को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकें। इन्फॉर्मेशन वही है जो बुक्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बनाते, मार्केट करते और पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज को एक कीमत पर देते हैं। बिजनेसेस थॉमसन रॉटर्स जैसी ऑर्गेनाइजेशंस की दी हुई इन्फॉर्मेशन के आधार पर डिसीजंस लेती हैं। हम इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि फाइनेंशियल, लीगल, टैक्स एंड अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, साइंस और मीडिया मार्केट्स में बड़े डिसीजन मेकर्स को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे सकें, जिसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से ताकत मिलती है। आइडियाज हर मार्केट ऑफरिंग के साथ एक मूल आइडिया जुड़ा होता है। रेवलॉन के चार्ल्स रेवसन ने एक बार कहा था, फैक्ट्री में हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, ड्रग स्टोर में हम आशा बेचते हैं। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किसी आइडिया या फायदे को लोगों तक पहुंचाने का जरिया होती हैं। सोशल मार्केटर्स फ्रेंड्स डोंट लेट फ्रेंड्स ड्राइव ड्रंक और अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग टू वेस्ट जैसे आइडियाज को प्रमोट करते हैं। कौन करता है मार्केट? मार्केटर्स और प्रोस्पेक्ट्स। एक मार्केटर वह होता है जो किसी और
जिसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं, से कुछ चाहता है, अटेंशन, कोई चीज खरीदना, वोट देना या डोनेशन देना। अगर दो लोग एक दूसरे को कुछ बेचना चाहते हैं तो हम उन दोनों को मार्केटर्स कह सकते हैं। मार्केटर्स अपने प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ाने के काम में माहिर होते हैं, लेकिन वो जो करते हैं ये उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। वे डिमांड के स्तर, समय और तरीके को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो सके। डिमांड की 8 स्थितियां हो सकती हैं। नेगेटिव डिमांड, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट पसंद नहीं आता और हो सकता है वे उससे बचने के लिए पैसे भी खर्च करें। नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड, कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता या उनको उसमें दिलचस्पी नहीं होती। लेटेंट डिमांड, कंज्यूमर्स को किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसे अभी मौजूद कोई प्रोडक्ट पूरा नहीं कर सकता। डिक्लाइनिंग डिमांड, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को कम बार खरीदना शुरू कर दें या बिल्कुल ही ना खरीदे। इरेग्युलर डिमांड, कंज्यूमर की खरीदारी का समय बदलता रहता है, मौसम, महीना, हफ्ता, दिन या घंटे के आधार पर। फुल डिमांड, कंज्यूमर्स बाजार में डाली गई सभी प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से खरीद रहे हैं। ओवरफुल डिमांड, जितने कंज्यूमर्स प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उससे ज्यादा हैं और सबको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। अनहोलसम डिमांड, कंज्यूमर्स को ऐसे प्रोडक्ट्स पसंद आ सकते हैं जिनके समाज पर बुरे प्रभाव होते हैं। हर स्थिति में मार्केटर्स को डिमांड के पीछे के कारण को पहचानना होता है और डिमांड को बेहतर स्थिति में लाने के लिए एक प्लान बनाना होता है। मार्केट्स, आमतौर पर एक मार्केट एक ऐसी जगह होती थी जहां बायर्स और सेलर्स सामान खरीदने और बेचने के लिए इकट्ठा होते थे। इकोनॉमिस्ट्स एक मार्केट को बायर्स और सेलर्स के समूह के तौर पर देखते हैं जो किसी एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट क्लास जैसे हाउसिंग मार्केट या ग्रेन मार्केट को लेकर लेन देन करते हैं। 5 बुनियादी मार्केट्स और उनका आपस में जुड़ाव चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैन्युफैक्चरर्स रिसोर्स मार्केट्स रॉ मटेरियल्स लेबर मनी में जाते हैं, रिसोर्सेस खरीदते हैं और फिर उन्हें गुड्स और सर्विसेज में बदलकर इंटरमीडियरीज को बेचते हैं। इंटरमीडियरीज फिर उन्हें कंज्यूमर्स को बेचते हैं। कंज्यूमर्स अपना लेबर बेचते हैं और उससे मिले पैसों से गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है और उससे रिसोर्स मैन्युफैक्चरर और इंटरमीडियरी मार्केट से गुड्स खरीद कर पब्लिक सर्विसेज देती है। हर देश की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी एक्सचेंज प्रोसेस से जुड़े हुए मार्केट्स के कई समूहों से मिलकर बनी होती है। मार्केटर्स सेलर्स को इंडस्ट्री मानते हैं और कस्टमर ग्रुप्स को बताने के लिए मार्केट शब्द का प्रयोग करते हैं। वे नीड मार्केट्स डाइट चाहने वालों का मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट्स शू मार्केट, डेमोग्राफिक मार्केट्स युवाओं का मिलेनियम मार्केट, जियोग्राफिक मार्केट्स चीनी मार्केट या वोटर मार्केट्स लेबर मार्केट्स और डोनर मार्केट्स की बात करते हैं। चित्र 1.2 दिखाता है कि कैसे सेलर्स और बायर्स 4 प्रवाहों के माध्यम से जुड़े रहते हैं। सेलर्स गुड्स सर्विसेज और कम्युनिकेशंस जैसे एड्स और डायरेक्ट मेल को मार्केट में भेजते हैं। बदले में उन्हें पैसे और इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे कस्टमर का रवैया और सेल्स का डेटा। अंदर वाला लूप गुड्स और सर्विसेज के बदले में पैसों के लेन देन को दिखाता है, बाहर वाला लूप इन्फॉर्मेशन के लेन देन को दिखाता है। की कस्टमर मार्केट्स, आइए कुछ मुख्य कस्टमर मार्केट्स पर एक नजर डालें। कंज्यूमर बिजनेस ग्लोबल और नॉन प्रॉफिट। कंज्यूमर मार्केट्स कंपनीज जो मास कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज जैसे कि जूसेस कॉस्मेटिक्स एथलेटिक शूज और एयर ट्रैवल बेचती हैं, वो एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर उसे लोगों तक आसानी से पहुंचाकर आकर्षक कम्युनिकेशन के साथ और विश्वास बनाने वाली परफॉर्मेंस के जरिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज तैयार करती हैं। बिजनेस मार्केट्स जो कंपनीज बिजनेस गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं, उन्हें अक्सर ऐसे प्रोफेशनल बायर्स से बात करनी पड़ती है जिनके पास जानकारी होती है और जो अलग अलग ऑफर्स का अच्छे से मूल्यांकन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और वेबसाइट्स एक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन सेल्स फोर्स प्राइस और सेलर की रेप्यूटेशन अक्सर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ग्लोबल मार्केट्स ग्लोबल मार्केट प्लेस में काम करने वाली कंपनीज को अलग अलग देशों में प्रवेश करने के बारे में फैसला करते समय उनकी कल्चर भाषा लीगल और पॉलिटिकल डिफरेंसेस पर ध्यान देना होता है। इसके साथ ही उन्हें ये तय करना होता है कि हर देश में कैसे जाना है, एक्सपोर्टर लाइसेंसर ज्वाइंट वेंचर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या सोलो मैन्युफैक्चरर, कैसे हर देश के हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विस को बदला जाए, कैसे कीमत तय की जाए और अलग अलग कल्चर्स में कैसे बात की जाए।
नॉन-प्रॉफिट एंड गवर्नमेंटल मार्केट्स जो कंपनीज नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचती हैं, जिनकी परचेसिंग पावर कम होती है, जैसे कि चर्चेस, यूनिवर्सिटीज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज, उन्हें सोच समझ कर प्राइस तय करना होता है। कई बार सरकारी खरीद के लिए बिड्स देने पड़ते हैं। बायर्स अक्सर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर ध्यान देते हैं और दूसरे फैक्टर्स एक जैसे होने पर सबसे कम बिड को चुन लेते हैं। कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। मार्केटिंग को समझने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों को समझना होगा। देखिए टेबल 1.1। नीड्स, वॉन्ट्स और डिमांड्स। नीड्स इंसान की बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे कि हवा, खाना, पानी, कपड़े और घर। इंसानों की रिक्रिएशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की भी मजबूत जरूरतें होती हैं। ये नीड्स तब वॉन्ट्स बन जाती हैं जब उन्हें किसी खास चीज के लिए लगाया जाता है जो उस जरूरत को शायद पूरा कर दे। एक यूएस का कंज्यूमर खाना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो शिकागो स्टाइल डीप डिश पिज्जा और एक क्राफ्ट बियर चाहे। अफगानिस्तान में एक व्यक्ति खाना चाहता है, लेकिन हो सकता है वो चावल, भेड़ का मांस और गाजर चाहे। हमारी चाहतों को हमारा समाज आकार देता है। डिमांड्स किसी खास प्रोडक्ट्स के लिए चाहतें होती हैं, जो खरीदने की ताकत के साथ जुड़ी होती हैं। बहुत से लोग मर्सिडीज चाहते हैं, कुछ ही उसे खरीद सकते हैं। कंपनीज को ये देखना होता है कि कितने लोग उनका प्रोडक्ट चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि कितने लोग उसे खरीदना चाहते हैं और खरीद भी सकते हैं। इन भेदों से इस आलोचना पर रोशनी पड़ती है कि मार्केटर्स लोगों से ऐसी चीजें खरीदवाते हैं जो वो नहीं चाहते। मार्केटर्स नीड्स नहीं बनाते, नीड्स तो मार्केटर्स के पहले से ही होती हैं। मार्केटर्स शायद इस विचार को आगे बढ़ाए कि मर्सिडीज किसी इंसान की सोशल स्टेटस की जरूरत को पूरा करती है, लेकिन वो सोशल स्टेटस की जरूरत नहीं बनाते। कुछ कस्टमर्स को ऐसी नीड्स होती हैं जिनके बारे में वो पूरी तरह से नहीं जानते या उन्हें शब्दों में नहीं कह सकते। एक पावरफुल लॉन मोअर या पीसफुल होटल पूछकर कस्टमर का क्या मतलब होता है? मार्केटर को और गहराई में बात करनी होगी। हम 5 तरह की नीड्स के बीच फर्क कर सकते हैं। स्टेटेड नीड्स, कस्टमर एक सस्ती कार चाहता है। रियल नीड्स, कस्टमर ऐसी कार चाहता है जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, ना कि बस शुरुआती प्राइस। अनस्टेटेड नीड्स, कस्टमर ये उम्मीद करता है कि डीलर की सर्विस अच्छी होगी। डिलाइट नीड्स, कस्टमर चाहेगा कि डीलर कार में एक ऑनबोर्ड GPS सिस्टम भी दे। सीक्रेट नीड्स, कस्टमर चाहता है कि उसके दोस्त उसे एक समझदार कंज्यूमर के रूप में देखें। सिर्फ स्टेटेड नीड को पूरा करने से हो सकता है कस्टमर को वो ना मिले जो वो पूरी तरह से चाहता है। जब टैबलेट कंप्यूटर्स पहली बार पेश किए गए थे, उस समय कंज्यूमर्स को उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन एप्पल ने उनकी धारणाएं बनाने के लिए बहुत मेहनत की। आगे बढ़ने के लिए कंपनीज को ग्राहकों को यह सीखने में मदद करनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। टारगेट मार्केट्स, पोजिशनिंग और सेगमेंटेशन। हर किसी को एक जैसा सीरियल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी या मूवी पसंद नहीं आती, इसलिए मार्केटर्स अलग अलग तरह के बायर्स में डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरल डिफरेंसेस को पहचान कर उनके सेगमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद वे तय करते हैं कि कौन सा सेगमेंट एस उनके लिए सबसे अच्छे मौके देते हैं। इनमें से हर टारगेट मार्केट के लिए कंपनी एक मार्केट ऑफरिंग बनाती है जिसे वह टारगेट बायर्स के दिमाग में किसी खास फायदे के साथ पोजिशन करती है। वोल्वो अपनी कार्स उस बायर के लिए बनाती है जिसके लिए सेफ्टी सबसे जरूरी है और उन्हें बाजार में सबसे सुरक्षित कार के रूप में पोजिशन करती है। ऐसे बायर्स को टारगेट करती है जो ड्राइविंग में मजा और रोमांच चाहते हैं और अपनी कार से एक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। ऑफरिंग्स और ब्रथ्स कंपनीज कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करने के लिए एक वैल्यू प्रपोजिशन देती हैं, जो उन नीड्स को पूरा करने वाले फायदों का एक समूह होता है। इस इंटेंजिबल वैल्यू प्रपोजिशन को एक ऑफरिंग से पूरा किया जाता है जो प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस का मिलाजुला रूप होता है। एक ब्रांड किसी जान पहचाने सोर्स से मिलने वाली ऑफरिंग होती है। जैसे एप्पल का ब्रांड नेम लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजों से जुड़ा हुआ है जिनसे इसकी छवि बनती है। क्रिएटिव, इनोवेटिव, इजी टू यूज, फन, कूल, आईपॉड, आईफोन और आईपैड, ये बस कुछ उदाहरण हैं। सभी कंपनीज एक ऐसी ब्रांड इमेज बनाना चाहती हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मजबूत, अच्छे और अलग ब्रांड एसोसिएशंस जुड़े हों। मार्केटिंग चैनल्स। टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए मार्केटर 3 तरह के मार्केटिंग चैनल्स इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन चैनल्स। टारगेट बायर्स को मैसेजेस पहुंचाते हैं और उनसे मैसेजेस लेते हैं।
इनमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, मेल, टेलीफोन, स्मार्टफोन, बिलबोर्ड्स, पोस्टर्स, फ्लायर्स, सीडीएस, ऑडियो टेप्स और इंटरनेट आते हैं। इनके अलावा फर्म्स अपने रिटेल स्टोर्स और वेबसाइट्स के लुक और दूसरे मीडिया के जरिए भी बात करती हैं। वे ईमेल्स, ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस और यूआरएल्स जैसे डायलॉग चैनल्स को एड्स जैसे मोनोलॉग चैनल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खरीदार तक फिजिकल प्रोडक्ट या सर्विस एस को दिखाने, बेचने या पहुंचाने में मदद करते हैं। ये चैनल्स डायरेक्ट हो सकते हैं, जैसे इंटरनेट, मेल या मोबाइल फोन या टेलीफोन, या फिर इनमें इंटरमीडियरीज हो सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और एजेंट्स। सर्विस चैनल्स का इस्तेमाल पोटेंशियल बायर्स के साथ लेन देन के लिए किया जाता है। इनमें वेयरहाउस, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज शामिल हैं। मार्केटर्स को अपने ऑफरिंग्स के लिए कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस चैनल्स का सबसे अच्छा मिश्रण चुनने की चुनौती होती है। पेड, ओन्ड और अर्न्ड मीडिया। डिजिटल मीडिया ने मार्केटर्स को कंज्यूमर्स और कस्टमर्स से जुड़ने के कई नए तरीके दिए हैं। कम्युनिकेशन के ऑप्शंस को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पेड मीडिया में टीवी, मैगजीन और डिस्प्ले एड्स, पेड सर्च और स्पॉन्सरशिप्स शामिल हैं, जिनसे मार्केटर्स अपनी एड या ब्रांड को पैसे देकर दिखा सकते हैं। ओन्ड मीडिया वो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जो मार्केटर्स के पास होते हैं, जैसे कि कंपनी या ब्रांड का ब्रोशर, वेबसाइट, ब्लॉग, फेसबुक पेज या ट्विटर अकाउंट। अर्न्ड मीडिया वो तरीके होते हैं जिनमें कंज्यूमर्स, प्रेस या दूसरे लोग अपनी इच्छा से वर्ड ऑफ माउथ, बस या वायरल मार्केटिंग के जरिए ब्रांड के बारे में बात करते हैं। अर्न्ड मीडिया के आने से कुछ कंपनीज जैसे चिपोटल अपने पेड मीडिया पर होने वाले खर्च को कम कर पा रही हैं। चिपोटल पिछले दशक में सबसे तेजी से बढ़ने वाली रेस्टोरेंट चेन्स में से एक, चिपोटल ताजे खाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कंपनी परिवार द्वारा चलाए जा रहे फार्म्स को समर्थन देती है और ऐसे लोकल ग्रोअर्स से इंग्रेडिएंट्स लेती है जो जानवरों और पर्यावरण के साथ जिम्मेदारी से काम करते हैं। इसके 1600 से ज्यादा स्टोर्स हैं और इसके सोशल मीडिया फैंस की संख्या 1.7 मिलियन से ज्यादा है, फिर भी ये ट्रेडिशनल पेड मीडिया पर लगभग कुछ भी खर्च नहीं करती। इसकी बजाय चिपोटल कस्टमर्स के साथ फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल मीडिया के जरिए अपने फूड विद इंटेग्रिटी डिजिटल स्ट्रेटजी से जुड़ती है, जो इस बात पर जोर देता है कि वो क्या बेचते हैं और वो कहां से आता है। जैसा कि सीएमओ मार्क क्रम्पैकर कहते हैं, आमतौर पर फास्ट फूड मार्केटिंग सच्चाई को छुपाने वाली होती है। ज्यादातर फास्ट फूड कंपनीज के बारे में लोग जितना ज्यादा जानेंगे वो उनका कस्टमर बनना उतना ही कम चाहेंगे। इम्प्रेशंस और एंगेजमेंट। मार्केटर्स अब कंज्यूमर्स तक पहुंचने के तीन स्क्रीन्स या तरीकों के बारे में सोचते हैं, टीवी, इंटरनेट और मोबाइल। एरानी की बात यह है कि डिजिटल ऑप्शंस बढ़ने से शुरुआत में टीवी देखने वालों की संख्या कम नहीं हुई। इसका एक कारण है कि जैसा नीलसन के एक अध्ययन में पाया गया, 5 में से 3 कंज्यूमर्स एक साथ 2 स्क्रीन्स इस्तेमाल करते हैं। इम्प्रेशंस जो तब होते हैं जब कंज्यूमर्स कोई कम्युनिकेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन के पहुंच की गहराई पता करने के लिए एक अच्छा मैट्रिक है और इनकी दूसरे कम्युनिकेशन टाइप से तुलना भी की जा सकती है। इसका उल्टा पहलू यह है कि इम्प्रेशंस कम्युनिकेशन को देखने से हुए परिणाम के बारे में नहीं बताते। एंगेजमेंट इस बात का पैमाना है कि कोई कम्युनिकेशन कितना कस्टमर का ध्यान आकर्षित कर रहा है और कस्टमर उससे किस हद तक जुड़ा हुआ है। ये महज एक इम्प्रेशन से ज्यादा एक्टिव रिस्पॉन्स दिखाता है और इससे फर्म के लिए वैल्यू बनने की ज्यादा संभावना होती है। ऑनलाइन एंगेजमेंट के कुछ मेजर्स हैं, फेसबुक लाइक्स, ट्विटर ट्वीट्स, किसी ब्लॉग या वेबसाइट पर कमेंट्स और वीडियो या किसी और कंटेंट को शेयर करना। एंगेजमेंट उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस तक भी जा सकती है जो किसी फर्म के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बढ़ाते हैं या बदलते हैं। वैल्यू और सेटिस्फैक्शन बायर उन ऑफरिंग्स को चुनता है जो उसे लगता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू देंगी, यानी टैंजिबल और इंटैंजिबल फायदे और कीमत का जोड़। वैल्यू जो मार्केटिंग का एक केंद्रीय विषय है, खास तौर पर क्वालिटी, सर्विस और प्राइस QSP का मिश्रण है, जिसे कस्टमर वैल्यू ट्रायड कहते हैं। क्वालिटी और सर्विस बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है लेकिन प्राइस बढ़ने से घटती है। हम मार्केटिंग को इस तरह समझ सकते हैं, कस्टमर वैल्यू को पहचानना, बनाना, बताना, पहुंचाना और उस पर नजर रखना।
सेटिस्फैक्शन किसी व्यक्ति के किसी प्रोडक्ट के प्रदर्शन के बारे में निर्णय को बताता है जो उसकी अपेक्षाओं से तुलना करके किया जाता है। यदि प्रदर्शन अपेक्षाओं से कम है तो कस्टमर निराश होता है। यदि वह अपेक्षाओं से मेल खाता है तो कस्टमर संतुष्ट है। यदि वह उनसे ज्यादा है तो कस्टमर बहुत खुश है। सप्लाई चेन एक ऐसा चैनल है जो रॉ मटेरियल से लेकर कंपोनेंट्स होते हुए उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक जाता है जो फाइनल बायर्स तक पहुंचते हैं। जैसा कि चित्र 1.3 में दिखाया गया है, कॉफी की सप्लाई चेन इथियोपिया के फार्मर्स से शुरू हो सकती है जो कॉफी के बीज बोते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और उनकी तुड़ाई करके अपनी फसल को बेचते हैं। यदि वह किसी फेयर ट्रेड कोऑपरेटिव के जरिए बेची जाती है तो कॉफी को धोया जाता है, सुखाकर पैकेज किया जाता है और अल्टरनेटिव ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ATO द्वारा भेजा जाता है जो कम से कम $1.26 पाउंड का भुगतान करता है। ATO कॉफी को विकसित देशों तक पहुंचाता है जहां वो उसे सीधे या फिर रिटेल चैनल्स के जरिए बेच सकता है। चेन में शामिल हर कंपनी सप्लाई चेन के वैल्यू डिलीवरी सिस्टम द्वारा बनाई गई कुल वैल्यू का एक निश्चित हिस्सा ही ले पाती है। जब कोई कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स को खरीदती है या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम बढ़ती है तो उसका लक्ष्य सप्लाई चेन की वैल्यू का ज्यादा प्रतिशत हासिल करना है। सप्लाई चेन में समस्याएं किसी बिजनेस के लिए हानिकारक या बर्बाद करने वाली भी हो सकती हैं। जब जॉनसन & जॉनसन को अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूनिट जो टाइलिनॉल और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाता है में मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा तो इसने बेयर AG से एक टॉप एग्जीक्यूटिव को काम पर रख लिया जो कि कंज्यूमर और सप्लाई चेन की समस्याएं ठीक कराने में कुशल थी। कंपटीशन में वे सभी एक्चुअल और पोटेंशियल राइवल ऑफरिंग्स और सब्स्टिट्यूट्स शामिल हैं जिन पर कोई बायर विचार कर सकता है। एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर स्टील को US के US स्टील से, किसी विदेशी जापानी या कोरियाई फर्म से या न्यूकर जैसी मिनीमिल से कम कीमत पर खरीद सकता है, या वह कार का वजन कम करने के लिए एल्कोआ से एल्यूमिनियम पार्ट्स या फिर स्टील की जगह सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन SABIC से इंजीनियर प्लास्टिक्स खरीद सकता है। साफ है कि US स्टील को दूसरी स्टील कंपनीज के मुकाबले सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, इसलिए अगर वो इस बात को नहीं समझेगा तो वह अपनी कंपटीशन को काफी कम आंक लेगा। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में टास्क एनवायरनमेंट और ब्रॉड एनवायरनमेंट शामिल होते हैं। टास्क एनवायरनमेंट में वे सभी शामिल हैं जो किसी ऑफरिंग को बनाने, डिस्ट्रीब्यूट करने और प्रमोट करने में लगे होते हैं। इनमें कंपनी, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और टारगेट कस्टमर्स आते हैं। सप्लायर ग्रुप में मटेरियल सप्लायर्स और सर्विस सप्लायर्स होते हैं जैसे मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज और टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स में एजेंट्स, ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरे वे लोग शामिल होते हैं जो ग्राहकों को ढूंढने और उन्हें प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करते हैं। ब्रॉड एनवायरनमेंट में 6 कंपोनेंट्स होते हैं: डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। मार्केटर्स को इनमें होने वाले ट्रेंड्स पर पूरा ध्यान देना होता है और जरूरत के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है। नए मौके लगातार सामने आते रहते हैं और उनको हासिल करने के लिए मार्केटिंग से जुड़ी सही समझ और चतुराई की जरूरत होती है। पिंटरेस्ट के बारे में सोचिए। पिंटरेस्ट सबसे तेजी से बढ़ने वाली सोशल मीडिया साइट्स में से एक, इसने जनवरी 2012 में US में 10 मिलियन मंथली यूनिक विजिटर्स को पार कर लिया था और 4 महीने बाद ही इस संख्या को दोगुना कर लिया था। पिंटरेस्ट एक विजुअल बुकमार्किंग टूल है जिससे यूजर्स किसी प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स की इमेजेस इकट्ठी करके उन्हें डिजिटल स्क्रैप बुक्स या पिनबोर्ड्स पर शेयर कर सकते हैं, खास तौर पर उन महिलाओं के बीच लोकप्रिय जो वेडिंग्स की प्लानिंग कर रही हों, रेसिपीज बचाकर रख रही हों या किचन को अपग्रेड करने का डिजाइन बना रही हों। पिंटरेस्ट ने एक महीने में ट्विटर, गूगल प्लस, लिंक्डइन और यूट्यूब सबको मिलाकर जितने ट्रैफिक को वेबसाइट्स तक पहुंचाया है उससे ज्यादा ट्रैफिक को अकेले वेबसाइट्स तक पहुंचाया है। इसकी लोकप्रियता का एक कारण इसकी अनूठी कस्टमाइजेबल ग्रिड ऑफ इमेजेस है। पिंटरेस्ट की खास बात यह है कि इसके यूजर्स अक्सर कुछ खरीदने वाले मूड में होते हैं। एक अध्ययन से पता चला कि जिन ऑनलाइन परचेसर्स ने कोई प्रोडक्ट पिंटरेस्ट पर ढूंढा उनमें से लगभग 70% ने उसे खरीद लिया, जबकि फेसबुक के लिए यह संख्या 40% थी। डेल और मर्सिडीज बेंज से लेकर पीनट बटर को और जोम्बी ACK तक बड़े ब्रदर्स साइट को अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज में शामिल कर रहे हैं।
इसके बावजूद पिंटरेस्ट अभी यह खोज रहा है कि अपने बिजनेस वेंचर से पैसे कैसे कमाए जाए। मार्केटिंग की नई हकीकतें, रियलिटीज, मार्केटप्लेस 10 साल पहले के मुकाबले बेहद बदल चुका है और इसमें मार्केटिंग से जुड़ी नई आदतें, मौके और चुनौतियां सामने आ रही हैं। इस किताब में हम तीन बड़ी ताकतों पर ध्यान देंगे जो चीजों को बदल रही हैं: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक्नोलॉजी बदलाव की गति बहुत तेज और इसके आविष्कार बहुत बड़े हो सकते हैं। भारत में मोबाइल फोन्स की संख्या हाल ही में 500 मिलियन के पार हो गई, फेसबुक के मंथली यूजर्स 1 बिलियन से ज्यादा हो गए और अफ्रीका में आधे से ज्यादा शहरों में रहने वाले लोग हर महीने इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ई कॉमर्स, मोबाइल इंटरनेट और इमर्जिंग मार्केट्स में वेब के तेजी से बढ़ने के साथ बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मानना है कि ब्रांड मार्केटर्स को अपनी डिजिटल बैलेंस शीट्स को बेहतर बनाना होगा। अब कंज्यूमर्स और मार्केटर्स को लगभग हर चीज के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा मिल जाते हैं। असल में टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च करने वाली कंपनी गार्टनर का कहना है कि 2017 तक CMOs इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 80 पर चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स CIOs से ज्यादा खर्च करेंगे। के CMO और CIO ने तो पहले ही कई साल से मिलकर काम किया है और iTriage को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है, जो आईफोन के लिए बना एक पॉपुलर हेल्थ ऐप है। iTriage के साथ यूजर्स अपनी बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, पास के डॉक्टर्स ढूंढ सकते हैं और बताई गई मेडिसिंस के बारे में पता कर सकते हैं। प्रॉक्टर & गैम्बल PG टेक्नोलॉजी के नए चलन में आगे रहना चाहता है। PG उन 80 देशों जहां यह अपने प्रोडक्ट्स बेचता है सबसे नए वेब बेस्ड टूल्स इस्तेमाल करता है। हर जगह तेज नेटवर्किंग, डेटा विजुअलाइजेशन और बहुत सी इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम्स का तेज एनालिसिस। दुनिया भर में 40 जगहों पर बड़े बिजनेस फेयर, कंट्री, रीजन, ब्रांड और प्रोडक्ट के हिसाब से रियल टाइम मार्केट शेयर, प्रॉफिट्स और प्राइसेस दिखा सकते हैं। टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट का अपना एक न्यूज डेस्क है जो सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत पर नजर रखता है और जहां जरूरत हो शामिल हो जाता है। जब नस्क की रेस में गंदा ईंधन साफ करने के लिए टाइड इस्तेमाल किया गया तो ब्रांड ने 72 घंटे के भीतर सोशल मीडिया पर असली न्यूज फुटेज के साथ एड्स दिखाए। PEG कई तरह की टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस देख रहा है। एक पायलट स्टडी से पता चला कि सिर्फ iPads इस्तेमाल करके ग्राहकों को अलग अलग तरह के फ्लोर डिस्प्लेस दिखाने से फील्ड सेल्स पीपल ने रेवेन्यू को 1.5% बढ़ा दिया था।